अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के इस व्लॉग में मैं आया हूँ डेंसो हॉल। आप मेरे पीछे देख सकते हैं डेंसो हॉल मौजूद है। यहाँ पर मैं आया हूँ डेंसो हॉल जो यहाँ की नई राहगुजर वॉकिंग स्ट्रीट जो यहाँ बनी है, इसका मैं आज व्लॉग बनाने आया हूँ। ये मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। इस वॉकिंग स्ट्रीट को जो है राहगुजर वॉकिंग स्ट्रीट कहा जाता है और डेंसो हॉल राहगुजर वॉकिंग स्ट्रीट भी कहा जाता है। और इस वॉकिंग स्ट्रीट को बने हुए तकरीबन अभी 8 महीने हुए हैं। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान हेरिटेज फाउंडेशन की कोलैबोरेशन से ये वॉकिंग स्ट्रीट बनाई गई है। वॉकिंग स्ट्रीट को बनाने में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का भी हाथ है। और इस वॉकिंग स्ट्रीट को बने हुए आज तकरीबन 8 से 9 महीने हो चुके हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बम्बूस का बहुत बेहतरीन यहाँ काम किया गया। बम्बू से बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ें बनाई गई हैं। ज़मीन की बात करता चलो, जहाँ पर आप वॉक करेंगे इतने मुख्तलिफ़ किस्म के टायर्स लगाए गए हैं मुख्तलिफ़ ब्लॉक से मिला के। और आप ये आप देख सकते हैं बीच बीच में मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की बिल्डिंग्स भी बनाई गई, मुझे इनके नाम नहीं पता। ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वॉकिंग स्ट्रीट को बनाने में तकरीबन स्टूडेंट्स का हाथ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जितनी भी प्लांटेशन की गई है किसी मज़दूर ने नहीं की, बल्कि ये सब जो है स्टूडेंट्स की तरफ से की गई है। सारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ने जब ये कंस्ट्रक्ट हो रहा था, जब ये बन रहा था, तकरीबन 100 से 150 स्टूडेंट्स यहाँ पर आए थे और सब ने अपने हाथों से यहाँ पर प्लांट्स की जो है प्लांटेशन की है। We'll be right back।
के मैं अगर आपको रास्ते का यहाँ से बताता चलूँ तो ये स्ट्रीट जो है तकरीबन 2 किलोमीटर की स्ट्रीट है, और ये डांस हॉल से लेके इस कस्टम हाउस तक भी कहते हैं और जोड़िया बाज़ार तक भी कहते हैं। उस साइड पर कस्टम हाउस से जोड़िया बाज़ार है, वो रोड सीधा जो है कस्टम हाउस से और जोड़िया बाज़ार से आ रहा है, और सामने जो रोड है वो आ रहा है आपके अल्लाह वाला मार्केट जामा क्लॉथ मार्केट से, और लाइट हाउस से जब आप क्रॉस करते हुए आएंगे बोल्टर मार्केट की तरफ थोड़ा सा आगे आएंगे अंदर को एक रोड जा रहा है वहाँ पे आप एंटर होंगे तो यहाँ अब वॉकिंग स्ट्रीट आपको मिल जाएगी। वॉकिंग स्ट्रीट को बनाने का बुनियादी मकसद जो हेरिटेज फाउंडेशन पाकिस्तान का था वो ये था कि इस वॉकिंग स्ट्रीट को एक 2 किलोमीटर की जीरो कार्बन स्ट्रीट बनाई जाए जहाँ पर किसी किस्म की पोल्यूशन ना हो, ना कोई गर्द गुबार, ना कुछ कचरा, और बाकी नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पर सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखा हुआ है। यहाँ के प्लांट्स की वजह से अलग ही यहाँ पर सुकून मिल रहा है। इस वॉकिंग स्ट्रीट से मेरा पहले भी यहाँ गुजर हुआ है जब ये कुछ नहीं बना था, यहाँ पे इतनी पोल्यूशन हुआ करती थी, इतनी जो है गर्द वबार हुआ करता था, मगर इस वॉकिंग स्ट्रीट के बनने के बाद, इन टाइल्स लगने के बाद, यहाँ के जो प्लांटेशन है इसके होने के बाद और जो बम्बू की यहाँ चीज़ें बनी हुई इनके होने के बाद यहाँ पर इतना कुछ सुकून वाला माहौल है कि यहाँ पर आराम से आप यहाँ पर आके बैठ भी सकते हैं, छोटी मोटी बैठने की भी जगह है और यहाँ पे आप वॉक भी कर सकते हैं। ये वॉकिंग स्ट्रीट बनने से पहले आया था तारों का यहाँ पे इतना जो है इतना गुच्छा था यहाँ पे, लेकिन थम्स अप तो के इलेक्ट्रिक जिसने हुकूमत के साथ जो किरदार अदा किया यहाँ के तारों को अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्ट करने के लिए। यहाँ पे जितनी भी तारें थी सब जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई तार नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर एक छोटी मोटी सी एक फूड स्ट्रीट भी बनाई गई है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहाँ पे अंडे वाला बर्गर और 2-3 और भी चीज़ें हैं, चलते फिरते लोग कुछ भूख लगे तो आराम से खा सकते हैं। और आसपास जो आप मेरे यहाँ शटर देख रहे हैं और दुकानें देख रहे हैं, ये आज इतवार इसलिए सब बंद है और इतना रश भी नहीं है यहाँ पर, मैं तो आम दिनों में यहाँ लोगों का बहुत रश होता है। यहाँ के दुकानदारों को और ताजिरों ने भी यहाँ की सफाई सुथराई में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। जो भी दुकान है जो सामान होता है वो दुकान के अंदर रखते हैं, बाहर नहीं फैलाते, ये मैंने आम दिनों में बिजी डेज में देखा है। यहाँ के ताजिर और दुकानदार भी जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं यहाँ की सफाई सुथराई का ख्याल रखने में। ओके गाइस, सो ये था आज का डांस हॉल रागुजर वॉकिंग स्ट्रीट वाला व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इस वॉकिंग स्ट्रीट के हवाले से मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी, जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई वो बेस्ड ऑन रिसर्च थी। अगर मैंने इसमें कुछ भी गलत बोल दिया हो या आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हो जो आपके नज़दीक गलत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरी करेक्शन कर सकते हैं, मुझे उसकी गलती के बारे में बता सकते हैं। ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, और अगर आप मुझे पेट्रोन पर भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त डांस हॉल से, अल्लाह हाफिज़।